सबास बेस्ट क्लासेस में मैं आपको आलू और फूल गोभी की बगारी सब्जी बनाना बता रही हूँ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो अब इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आधा किलो फूल गोभी ली है और ये 3 आलू लिए हैं और 6 टमाटर हैं। हम फूल गोभी को इस तरह से तोड़ लेंगे। अब देखिए, इसमें फूल गोभी में बहुत सारे कीड़े होते हैं और इन कीड़ों को निकालने का एक ही तरीक़ा है कि आप एक बड़े से बर्तन में पानी लीजिए और उसमें 3 टीस्पून नमक डाल दीजिए और नमक डालकर इसमें फूल गोभी डाल दीजिए और इसे 5 से 10 मिनट रखिए। 5 से 10 मिनट बाद इसमें आप विनेगर डाल दीजिए, यानी सिरका 3 टीस्पून डालिए और फिर 5 मिनट रखकर इसे अच्छी तरह से साफ पानी से 2-3 बार धो लीजिए, तो इस तरह से कीड़े निकल जाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा है और 2 टीस्पून धनिया है, इन दोनों को मिलाकर हमें पीस लेना है। अब देखिए, ये जो 6 टमाटर थे इसे मैंने काट कर रखा है और यहाँ पर हमने साथ ही प्याज भी ली है, 2 प्याज को मैंने काट कर रखा है, इन दोनों को मिलाकर हम पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे यहाँ पर पीस लिया है, ये पेस्ट है, प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने लिया। अब देखिए, पानी में थोड़ा नमक डालिए और इसमें कटे हुए आलू डाल दीजिए ताकि ये काले ना पड़ने पाए। और अब जिस बर्तन में हमें ये गोभी बनानी हो उसमें हम 2 टेबलस्पून तेल गर्म करेंगे और उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे और फिर 1 टीस्पून हम अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई कीजिए, ज़ीरे को काला ना होने दीजिए। अब इसके बाद हम गैस कम करके 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और फिर इसे भी फ्राई कीजिए और साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्च डालिए। अब धीमी आंच पर हल्दी, लाल मिर्च, अदरक लहसुन सभी चीज़ों को हमें फ्राई करना है। फिर उसके बाद हम इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर आप इसमें सारा पेस्ट डाल दीजिए और आंच को तेज़ कर दीजिए। चूल्हे की आंच को हमने तेज़ करके रखा है। अब इसमें आलू डालिए, कटे हुए आलू हमें इसमें डालने हैं। और फिर ये गोभी मैंने डाल दी अब हम इसे तेज़ आंच पर पका रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ मेरे पास मेथी की भाजी है, ये मैंने तोड़ कर रखी है। इसके हमने 1 कप पत्ते लिए हैं और आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकती हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब इस मेथी की भाजी को मैंने गोभी में डाल दिया और फिर हम इसे पका लेंगे। अब देखिए, नमक डाल दिया 1 टीस्पून मैंने इसमें और इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। देखिए, अभी से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब इसे ढक कर धीमी आंच पर 5 मिनट इसे पका लेंगे ताकि गोभी गल जाए। जब गोभी गल जाएगी तो ढककर निकाल लीजिए और देखिए कि गोभी गल चुकी है। फिर मैंने इसमें धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल देना है और साथ ही हम इसमें 4 हरी मिर्चें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकती हैं और यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकती हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब मैं इसमें कोथमीर डाल रही हूँ। तो हमारी ये गोभी तैयार हो चुकी है और अब हमने इसमें नींबू डाल देना है। मैं आधा नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। तो ये तैयार है गोभी आपके लिए और आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक यूज़फुल रेसिपी के साथ। हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।